इस प्रसंग पर्ची पर दो प्रसंग लिखे गए हैं, जिनमें से किसी एक को मौखिक वाचन कर उत्तर पुस्तिका पर लिखकर देना है और इसी प्रसंग के आधारित जस गाना है। स्वतंत्र जस अगर आप गाते हैं तो इसके अंक समिति काटेगी, इसके जो स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। रामचरितमानस से जो प्रसंग लिया गया है पृष्ठ क्रमांक 704 से यह प्रसंग लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार से है, जैसे सिंह के समान श्रेष्ठ हाथी नहीं होता, जैसे सिंह के समान श्रेष्ठ हाथी नहीं होता, चिड़िया बाज के समान नहीं होती। आप रामचरितमानस के आधार पर बताइए कि सेवक को क्या चाहिए, सेवक को क्या चाहिए, भिखारी को क्या चाहिए, व्यवसायिनी को क्या चाहिए, व्यभिचारी को क्या चाहिए। रामचरितमानस से यह प्रसंग लिया गया है। मंडल पुनः प्रसंग ध्यान से सुने। जैसे सिंह के समान श्रेष्ठ हाथी नहीं होता, चिड़िया बाज के समान नहीं होती, आप रामचरितमानस के आधार पर बताइए कि सेवक को क्या चाहिए, भिखारी को क्या चाहिए, व्यासिनी को क्या चाहिए, व्यभिचारी को क्या चाहिए, बताइए। यह प्रसंग रामचरितमानस से। दूसरा प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत पुराण से लिया गया है, पृष्ठ क्रमांक 23। प्रसंग इस प्रकार है, आज भी जगत में श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। इसे वेदव्यास जी ने सुंदर 12 स्कंद से सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय जाने जाते हैं। आप पुराण के आधार पर बताइए कि पांचवें, छठवें, आठवें, दसवें, बारहवें में आने वाले कितने कितने अध्याय हैं? देवी भागवत पुराण का यह प्रसंग है। आज भी जगत में श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। इसे वेदव्यास जी ने सुंदर 12 स्कंद से सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय जाने जाते हैं। आप पुराण के आधार पर बताइए कि पांचवें, छठवें, आठवें, दसवें, बारहवें में आने वाले कितने कितने अध्याय है। यह प्रसंग मंडल के लिए, पुनः प्रसंग समझ लें और आपका समय प्रारंभ होता है अब। Yeah.
बोल जगदम्बे मैया की जय। मां बंजारी के श्री चरणों में सत सत नमन वंदन। दूर दराज से आए हुए प्रतियोगी मंडल एवं श्रोता बंधु, व्यास पथ पर मंच में विराजमान निर्णायक गण, हमारी जागृति जस मंडल सालीवाड़ा मंच में मंचासीन समिति के निर्णय अनुसार हमें दो प्रसंग दिए गए हैं, जिसमें से हमारी मंडल श्री रामचरितमानस का प्रसंग को चयन करती है। प्रसंग है, जैसे सिंह के समान श्रेष्ठ हाथी नहीं होता, चिड़िया बाज के समान नहीं होती। आप रामचरितमानस के आधार पर बताइए कि सेवक को क्या चाहिए, भिखारी को क्या चाहिए, व्यसनी को क्या चाहिए, व्यवहारचारी को क्या चाहिए, बताइए। उत्तर इस प्रकार है, सेवक को मान चाहिए, भिखारी को धन चाहिए, व्यसनी को व्यवहार चाहिए और व्यवहारचारी को प्रतिष्ठा चाहिए। प्रसंग के उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत है जस। बोल जगदम्बे मैया की जय। जय। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राम नाम गुण गाइए हो मां। बोलो जय Yeah।